नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ इंद्रमोहन। लाइव सिटीज एग्जिट पोल लेकर आया है इस बार खगड़िया लोकसभा सीट की, जिसकी इस बार सबसे ज्यादा चर्चा थी, क्योंकि बिहार में एक पार्टी इस बार काफी बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी और उसका पहला लिटमस टेस्ट होना था इस सीट पर। उस पार्टी के सुप्रीमो इसी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, मुकेश सहनी। वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी खगड़िया लोकसभा सीट से महागठबंधन की तरफ से उम्मीदवार हैं, वहीं महबूब अली कैसर एलजेपी की तरफ से उम्मीदवार हैं, एनडीए के वो उम्मीदवार हैं। इस सीट पर अगर चुनाव की बात करें तो इस बार 58.90% पोलिंग हुई है, जबकि 2014 में यहां 57.98% ही पोल हुआ था। अगर आप 2014 के चुनाव को देखें तो उस चुनाव में दो यादवों की जंग में महबूब अली कैसर निकल गए थे, जबकि वहां बहुत ज़्यादा वोटरों का फर्क नहीं था। कृष्णा यादव आरजेडी के टिकट पे थी, 2,37,803 वोट उन्हें मिला था। दिनेश चंद्र यादव 2,20,316 वोट मिले थे और चौधरी महबूब अली कैसर जब मोदी लहर थी उस लहर में उन्हें 3,13,806 वोट मिले थे। इस बार क्या चौधरी महबूब अली कैसर के नाम पर एक बार फिर जनता ने बटन दबा दिया है, या मुकेश सहनी की नाव खगड़िया में चलने वाली है? लाइव सिटीज के एग्जिट पोल में जो हमने सैंपल साइज कलेक्ट किया है उसके अकॉर्डिंग खगड़िया लोकसभा की सीट वीआईपी पार्टी के खाते में जाती दिख रही है। महागठबंधन इस सीट से चुनाव जीतता नजर आ रहा है। मुकेश सहनी संसद पहुंचने वाले हैं 2019 लोकसभा चुनाव जीतकर। लाइव सिटीज के एग्जिट पोल में खगड़िया लोकसभा की सीट से मुकेश सहनी चुनाव जीतते नजर आ रहे हैं। यहां चौधरी महबूब अली कैसर के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर जबरदस्त देखने को मिला है। हमारे सैंपल साइज में वोटरों ने जब हमने बात की उनसे तो उन्होंने काफ़ी निराशा भी जताई चौधरी महबूब अली कैसर को लेकर, और यहाँ पर यादव वोटरों में बिखराव नहीं हुआ है। यादव वोट, मुस्लिम वोट और मल्लाह वोट पहली बार बिहार लोकसभा चुनाव में एक साथ वीआईपी पार्टी के साथ आया है और काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पर पोल हुई है। इस सीट से वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी चुनाव जीतकर सदन पहुंचने वाले हैं। खगड़िया लोकसभा की सीट काफ़ी हॉट सीट मानी जा रही थी, यहाँ पर सीधी टक्कर चौधरी महबूब अली कैसर एलजेपी की तरफ से उम्मीदवार थे और मुकेश सहनी वीआईपी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार थे, महागठबंधन के उम्मीदवार थे। चौधरी महबूब अली कैसर के नाम का ऐलान काफ़ी बाद में हुआ, जब रामविलास पासवान ने कहा कि चौधरी महबूब अली कैसर ही यहाँ से एलजेपी के कैंडिडेट होंगे, लेकिन मुकेश सहनी ने उसके पहले ही वहाँ पर चुनाव प्रचार करना शुरू कर दिया था। इस क्षेत्र में हमें एंटी इनकम्बेंसी सांसद के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली, और जो हमारा सैंपल साइज कहता है वोट कलेक्शन के आधार पर इस सीट से वीआईपी पार्टी सुप्रीमो मुकेश सहनी चुनाव जीत रहे हैं। अगर आप भी अपने सीट के एग्जिट पोल को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और खबरों को डिटेल से पढ़ने के लिए livecities.in पर जाएँ। धन्यवाद।